नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम हब में। आज हम CGPSC 2020 प्री के संबंध में बात करेंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जाएं और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को बाजू में प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड होगा वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा CGPSC और व्यापम की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि CGPSC प्री 2020 क्या रद्द होगा कि नहीं। तो देखिए, एक सप्ताह पहले मैंने कुछ वीडियो डाला था CGPSC के बारे में कि CGPSC नहीं चाहता कि CGPSC प्री 2020 रद्द हो, परंतु मेरे जो कुछ मित्र है वो हाईकोर्ट जाना चाहते हैं जो अभ्यर्थी है, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ ऐसा उनका कहना है। तो इस संदर्भ में जब वो हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने से पहले एक अधिवक्ता से मिले, तो अधिवक्ता और हमारे जो मित्र है उनका विचार विमर्श हुआ इसके बारे में कि क्या क्या हो सकता है। तो याचिका दायर करने से पहले ये सभी अभ्यर्थियों को मालूम होना चाहिए कि उस याचिका में हम जो लगा रहे हैं उसमें क्या पॉइंट होगा और क्या पॉइंट नहीं होगा, हम किस पॉइंट पे वीक होंगे, इस टाइप का। तो देखिए, आपको मैं ये बता दूं कि जो CGPSC है, जिस दिन मॉडल आंसर जारी किया था उसी दिन उसने एक केवीएट सूचना भी जारी कर दिया था, याद करिएगा। तो ये जो केवीएट सूचना है ये ऐसा होता है कि आप जो है वो एक तरफा कार्यवाही CGPSC को बिना सुने नहीं कर सकते। अगर आप याचिका लगा रहे हैं तो जो कोर्ट है पहले आपकी बात सुनेगा, उसके बाद CGPSC की बात सुनेगा और उसके बाद ही वो कुछ निर्णय करेगा। तो देखिए, इस सब चर्चा के बाद बहुत सी बातें सामने आई। अगर मैं उन सभी बातों को करने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा। मैं कुछ पॉइंट को आपको बताता हूँ जिससे अंत में हम कंक्लूज़न में पहुँचेंगे कि ये क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 2019 का जो पेपर है, प्री का पेपर है। देखिए, ये सामान्य अध्ययन 1 का पेपर है जिसमें क्लियरली देखिए मेंशन है, पिछले ही साल का पेपर है, मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं ले जा रहा हूं। उत्तर देने के संबंधी निर्देश, तो देखिए वहाँ पे नीचे दिया गया है मूल्यांकन की पद्धति। इसमें लिखा गया है स्पष्ट कि प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर है, उसमें से एक उत्तर सही, लगभग सब सही। प्रश्न का सही लगभग सही उत्तर अंकित करने से 2 अंक प्राप्त होंगे तथा गलत उत्तर अंकित करने पर 1/3 अंक काटा जाएगा। यदि एक से ज़्यादा गोले काले किए जाते हैं तो यह गलत उत्तर माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है जो बोल सकते हैं निर्देश दिया गया था, ये 2019 का पेपर है। अब अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले कि 2018 में जो CMO का पेपर हुआ था, देखिए 2018 के CMO के पेपर में भी देखिए ये क्लियर नोटिफाइड है कि मूल्यांकन पद्धति सेम इसी प्रकार से जो है। तो 2018 देखा आपने, 2019 देखा, अब बात करते हैं 2020 की। तो देखिए 2020 का जो है वो आपको शो हो रहा होगा। तो देखिए 2020 का जो है ये ब्लैंक है, और ये ब्लैंक है इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं दिया गया है। और अगर हम इसके फ्रंट पेज में बात करें, फ्रंट पेज के पीछे पेज में दिया गया है कि देखिए प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। ये तो देखिए ये सब चीज़ें जो हैं ये CGPSC के अपोजिट जाता है। हालांकि देखिए CGPSC का यही कहना है कि वो जो राजपत्र में प्रकाशित किया था उसके तहत ये पेपर ले रहा है, परंतु देखिए आप लोग 2019 का पेपर देखा, 2018 का पेपर देखा, उसमें ये जो है क्लियरली मेंशन था कि कितने नंबर कटेंगे, कितने नंबर माइनस होंगे, कितने नंबर मिलेंगे, सही उत्तर पे कितने नंबर मिलेंगे, गलत उत्तर पे कितने नंबर माइनस होंगे। इस संबंध में पूरी जानकारी जो है वो क्या थी दी हुई थी, परंतु 2020 के प्री में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं हुई थी। तो ये एक केस है। दूसरा जो गलत उत्तर लेने का है, जो गलत उत्तर PSC ने लिया है, बहुत से लोगों का ऐसा कहना है। तो देखिए ऐसी बात है कि PSC जानता है कि उसके ऊपर कुछ का जो है हाईकोर्ट से फैसले आ सकते हैं उसके विरुद्ध, इस कारण उसने क्या किया, कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको जो CGPSC है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 20% प्रश्न अगर गलत या विलोपित होते तभी परीक्षा निरस्त होगी। तो देखिए उन्होंने पहले ही, जबकि ये जो नोटिफिकेशन है 2017 में निकल चुका था, परंतु उसे दोबारा वापस से निकालना यही साबित करता है कि उनको मालूम था कि उनके विरुद्ध कुछ हो सकता है, इस वजह से उन्होंने ये जारी किया नोटिफिकेशन। तो देखिए बात ऐसी है कि जो मूल्यांकन पद्धति है
ये एक बड़ा पॉइंट है सीजीपीएससी के विरुद्ध जो अभ्यर्थी गए हैं उनका, कि भाई 2018 में 2019 में और हर एग्ज़ाम में सीजीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि कितने नंबर सही उत्तर मिलेंगे और कितने गलत उत्तर पर माइनस अंक कटेंगे, परंतु इतने बड़े एग्ज़ाम में सीजीपीएससी इतनी बड़ी भूल किया है तो ये छोटी मोटी भूल नहीं है, ये बहुत बड़ी भूल है। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या सीजीपीएससी एग्ज़ाम रद्द होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिस्टेक है सीजीपीएससी का कि उन्होंने कोई भी चीज़ मेंशन नहीं किया है। तो अधिवक्ता का ये कहना था, ये बहुत सा पॉइंट है लेकिन मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट बताया कि ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि सीजीपीएससी ने ऐसा क्यों किया। तो यही मेरा बताने का मकसद है कि देखिए जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा। अगर सीजीपीएससी प्री फिर से भी होता है तो हो सकता है कि आप लोग के पास समय ना रहे, तो आप लोग जल्दी से जल्द आप तैयारी करते रहिए। अभी हाल ही में मंडी निरीक्षक की वैकेंसी निकली है, आप उसकी तैयारी करिए, और ACF का मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है तो आप लोग जाइए मेरा पिछला वीडियो भी देखिए। तो यही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को सीजीपीएससी प्री से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।